जय हिंद, मैं राखी मैम। आज हम JKSSB के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। JKSSB में जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। पर्टिकुलर जो भी ये करंट अफेयर्स होंगे JNK जम्मू एंड कश्मीर से ही होंगे, ठीक है। अब देखते हैं बीच में बाकी जो रीजनल नेशनल करंट अफेयर वो रिविजन होगी, और इनके साथ जो डिस्कशन भी होगी वो JNK स्टेज की ही रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइब्रेंट भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल चल रहा है, वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर फेस्टिवल। इस साल हमने देखा वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है, गुजरात वाइब्रेंट देखा। गुजरात के ही नक्शे कदम में उत्तराखंड ने भी वहां पे अपने एक देश, अपने जैसे वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर फेस्टिवल, इसी तरह उत्तराखंड ने क्या नाम लिया है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, डेस्टिनेशन उत्तराखंड। क्या रखिएगा, ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। किश्तवाड़ में नहीं हो रहा, रामबन भी एक डिस्ट्रिक्ट है और किश्तवाड़ भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से कोई। भद्रवाह एक स्मॉल वैली है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, जम्मू एंड कश्मीर की। भद्रवाह के जो किंग थे महाराजा गुलाब सिंह थे। भद्रवाह फोर्ट दो एक बनाया किसने था, राजा मिथनी पाले, बट बाद में इसको 18 समथिंग में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, फिर से उन्होंने ही बनाया था। 18 समथिंग में जब डिस्ट्रॉय हो गया था, दोबारा से एक राजा ने बनाया था, ठीक है, याद किया। भद्रवाह की हाईएस्ट पीक सोनमेन, कौन सी है, सोनमेन। लिवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, और लिवेंडर फेस्टिवल भी कहां हुआ है, भद्रवाह। और इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, किसने किया था, डॉक्टर जितेंद्र। ये क्वेश्चन आपको हर्ष ये आस्था, लिवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी सिटी है भारत की, ये कौन सी प्लेस है, ये है भद्रवाह, भद्रकाशी के नाम से पहले जानी जाती थी। ये वाले सारे फेस्टिवल्स अभी रिसेंटली होंगे, 27, 28, 29, इस वाइब्रेंट वाइब्रेंट भद्रवाह में कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। ये एक भद्रवाह फोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा कल्चर एंड स्पोर्ट एक्टिविटी, दूसरा जय वैली में म्यूजिक फन एंड एडवेंचर, तीसरा जो है गुलदंडा, यहाँ पे स्नो फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, गत्तक पार्क में सिंगिंग आर्टिस्ट इनका ये ऑर्गेनाइज करेंगे मिडनाइट न्यू ईयर के दिन। ये वाइब्रेंट भद्रवाह में ये चारों फेस्टिवल होंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, स्नो फेस्टिवल वाइब्रेंट भद्रवाह में कौन सी प्लेस में ऑर्गेनाइज किया गया, और यहाँ कल्चरल स्पोर्ट कौन से फोर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया, ये चारों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब रिसेंटली ये दो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है जिन्होंने अभी डर लेक के आगे फुटबॉल, फ्री स्टाइल फुटबॉल की क्या दिया है, परफॉर्मेंस की है, ठीक है। ये एक पोलैंड से एक जर्मनी से है, अगस्का फ्रॉम पोलैंड एंड पैट्रिक ब्यूरे फ्रॉम जर्मनी, मैसिनी है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है, कौन से इंटरनेशनल फुटबॉल फ्री स्टाइल फुटबॉलर हैं जिन्होंने डल लेक में परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट है ये इसका करंट अफेयर, ये भी 2023 का करंट अफेयर है, आप साथ में पूछ भी सकते हैं। ये बैलन द ईयर ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल किसको दिया गया, मेसी को। इंडिया के इसका दो मेल और फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने, वो कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये है जो मेल है वो है लेलांजुला चैंग्सी, और ये निशे है मनीषा कल्याण, ये दोनों याद रखिएगा। ये फुटबॉल ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण दूसरी बार फुटबॉल ऑफ द ईयर बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सभी एग्जाम के लिए, JKSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली सांबा ने एक मेडिकल ड्रग्स को क्या किया, बैन किया है, क्यों, वो जो है हमारे हेल्थ इश्यू हो रहे थे और इसके ये बेनिफिट हमारी हेल्थ को बड़ा नुकसान दे रही थी, ठीक है। ये जो मेडिसिन है ये कौन सी, इसमें ये सारे सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, देखिए कौन कौन से हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं ये, इसमें लाइसाइन जिंक बी कॉम्प्लेक्स, इन तीनों के इस पूरी मेडिसिन का नाम कोविड एम है, क्या है, कोविड एम, और इसको बैन कर दिया गया है, फूड एंड ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बैन किया है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फूड एंड ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी मेडिसिन, कौन सी सप्लीमेंट को बैन किया है, या ये तो साल्ट ऑगस्ट या कॉर्बिट एम्स, ये याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ है, इसी की फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपॉइंटमेंट्स जीएनपी, राजीव राय भट्टनागर जो है ये एडवाइजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, ठीक है। अब भूपिंदर कुमार ये आईएएस ऑफिसर है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है। नेक्स्ट आ गया शकील उल रहमान, ये कमिश्नर है फूड एंड ड्रग्स के, ठीक है। नेक्स्ट है लोतिका खजूरिया, ये स्टेट ड्रग कंट्रोलर है जेएनके की। ये चारों क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट्स ऑफ जेएनके में आते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ये चारों भी इम्पोर्टेंट है। राय भट्टनागर आईएएस नहीं है? आईएएस है ना, रिटायर्ड ये हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। पर ये अभी जो है अपॉइंटेड है फूड एंड ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है अभी ये कल ही अपॉइंट हुए हैं, इनको अपॉइंट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा ने। इनका नाम क्या है? आर के वत्तल जो है फूड सेफ्टी एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या बन गए हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर बने हैं, किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। और शाहिद इकबाल चौधरी जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट के हेड हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। कौन? शाहिद इकबाल। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, सुप्रीति शर्मा केएस ऑफिसर है, ठीक है। ये नाम ऐड किए हैं मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए आर के वट्टल जो है इनके अपॉइंट किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसके, फूड सेफ्टी एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल के। और यहाँ देखिएगा कश्मीर में पीओ किसका इसको अपॉइंट किया है, ये बने हैं सुजात अली खान, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन दोनों का टेन्यू जो है 5 साल तक रहेगा, 65 ईयर तक ये काम करेंगे, अपनी रिटायरमेंट तक ये कंटिन्यू रखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो इसी के है, ये आपकी कठुआ से है, ठीक है। ये भी आईएएस ऑफिसर ही है, ठीक है। इनका नाम है अतुल डुल्लो, ये दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी, जो नेशनल चीफ सेक्रेटरी मीटिंग होगी वो दिल्ली में, ये इंडिया की तरफ कश्मीर की तरफ जेएनके की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। मनोज सिन्हा कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सुजात अली खान कौन है? फूड ट्रिब्यूनल प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, ये पीओ अपॉइंट किए गए हैं कश्मीर में। शहरीश असगर आईएएस असगर, ठीक है भाई, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बारामुल्ला स्टेडियम का नाम क्या रखा गया, अटल स्टेडियम नहीं है, नेहरू स्टेडियम नहीं है, मानिक शाह सैम नहीं है, विपिन रावत है, ठीक है। विपिन रावत स्टेडियम का नाम कहाँ पे रखा गया, बारामुल्ला स्टेडियम का रीनेम हो गया विपिन रावत। अब बारामुल्ला से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या क्या आते हैं। बारामुल्ला नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वैली की, इसको संस्कृत में इसका उल्लेख है वरहा, इसका पहला नाम था बारामुल्ला का वरहर, क्या है, वरहर, ठीक है। और निर्मला पुराण, कौन से पुराण, दो कश्मीर के सोर्स है, एक तो नीलमा पुराण था, एक है राजरंगनी, कौन सी है, राजरंगनी। नीलमा पुराण में इसको पार्वती कहा जाता था, जो कश्मीर वैली है उसको लेका पार्वती सती सरा के नाम से जाना जाता था। और कोंडरा बारामुल्ला राजा भीम सीमा, कौन थे, भीमा सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट, भीमा सिन्हा फाउंडर थे। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर जेलम, और ईस्ट ये मुजफ्फराबाद रावलपिंडी के जहां लोग जब आते थे वो कि यहाँ से आते थे, बारामुल्ला से एंटर करते थे कश्मीर में, और इसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ कश्मीर। बारामुल्ला को 1947 से पहले गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता था। बुल्लर लेक सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, ठीक है, और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी बारामुल्ला में है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट बनता है, बुल्लर लेक कौन सी पीक में सिचुएटेड है, ये फुटेला हरमुख माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डल लेक जबरवान और टूलिप गार्डन भी जबरवान माउंटेन में है, और ये हरमुख माउंटेन में कौन सी लेक है, बुल्लर लेक, 200 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली है
और लेंथ इसकी 24 किलोमीटर है, ब्रेथ इसकी 10 किलोमीटर। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछते हैं जेके एसएसबी में, ऐसे कभी कभी बकवास थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, ये 10 कितने किलोमीटर दूर है, ये जम्मू का एयरपोर्ट बाहू फोर्ट से कितने किलोमीटर दूर है, इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता, इस तरह भी क्वेश्चन रहते हैं। ये लेक लाई करती है कौन सी, सोपुर, बांदीपुरा, इन संग्रामा नियर भारम, संग्रामा राजा हुआ था, ठीक है, उस जगह का नाम भी संग्रामा पे ही है, बारामूला रोड पे। आप किस किस ने विजिट किया बारामूला में, ठीक है, तहरीके हसन, तहरीके हसन में लिखा गया है अकबर ने इस सिटी को डेकोरेट किया मेडिवल पीरियड में। फिर कहते हैं एम्परर जहांगीर ने बारामूला में स्टे किया जब वो 1620 में जहां कहां आया, कश्मीर में। फिर एक ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सिक्स जो गुरु थे उन्होंने श्री हरगोविंद जी, इन्होंने इस सिटी में विजिट किया। अभी ये नेक्स्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भी है। बारामूला में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्पल बहुत सारे हैं बट एनिशियंट टेम्पल जिसकी हिस्ट्री है, आज भी इनके रूंड है, टेम्पल के गुरुद्वारा आज भी है, ठीक है, बट ये टेम्पल इसके रूंड है। ये शंकरा गोरी श्वेरामा टेम्पल, जब इसको पढ़ोगे, सुगंधा देवी को, अवंती वर्मन को, उसने ये टेम्पल बनाए थे, ठीक है। ये पत्तन बारामूला में है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है, ठीक है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट था, किंग शंकर वर्मा ने बनाया था, किसने बनाया था, किंग शंकर वर्मा ने। अब गुरुद्वारा जो है छेवी पातशाही तारा साहिब, ठीक है, हरगोबिंद सिंह जी छेवी पातशाही से थे और उस गुरुद्वारे का नाम ये है। और ये कहाँ पे है, बारामूला के सिंहपुरा विलेज में, जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है। सिख श्राइन बिल्ट टू कंजर्व द मेमोरी ऑफ विजिट सिख गुरु हरगोबिंद सिंह 1620। यहाँ पे पूछ सकते हैं इस गुरुद्वारा छेवी पातशाही में कौन से सिख गुरु ने विजिट किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके जेके एसएसबी में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जम्मू से डॉक्टर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सुपर स्पेशलिस्ट जम्मू हॉस्पिटल की, इसको अपॉइंट किया गया है कहां पे, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट में, ठीक है, एंड इंडिया नेशनल टाइटल फाइट्स में इनको एज अ डॉक्टर अपॉइंट किया गया है, संयोगिता सुदन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन हमें, हम तो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, स्टेट्स का नहीं पढ़ते, बट ये स्टेट की डॉक्टर है जो अपॉइंट की गई है कहां पे, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। रिसेंटली पार्लियामेंट ने बिल पास किया है दो यूटी के लिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल 128 अमेंडमेंट, ठीक है, नारी क्या बोलते हैं, नारी शक्ति, नारी शक्ति अभिनंदन, अभिनंदन क्या कुछ भी होता है बिल, ठीक है, इस बिल का नाम है पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए, यूटी दिल्ली के लिए, जो J&K रिकॉग्नाइजेशन में लगा हुआ है वो अकॉर्डिंग, जो यूटी पुडुचेरी को मिलता है वही जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये पहली कश्मीरी आर्टिस्ट है, ठीक है, स्कल्प्टर्स हैं, जिसका नाम है सबरीना फिरदौस, ठीक है, अबे रुस्तम स्पोरी जो है बजरंग रुस्तम के ग्रैंडसन है, और मुदस्सिर रहमान, ये भी किसी, ये भी पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है, याद रखिए ये भी कश्मीर से हैं, नन ऑफ दी सबरीना फिरदौस, याद रखिएगा। ये अभी इनको कल ही साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है डोगरी में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, खाली नाम, ठीक है, इनका नाम क्या है, विजय वर्मा, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है दो सदियां एक सीर, ठीक है, एक सीर, ये किसने लिखी है, और ये वीना गुप्ता, इनको 2022 डोगरी लैंग्वेज के लिए मिला था, ठीक है, ज्योति 2022 तेरा भी आएगा एक दिन, मैं पढ़ूंगी नाम, ठीक है। पद्मा सचदेव फर्स्ट डोगरी सिंगर है, ठीक है, नरेंद्र ये फर्स्ट डोगरी फादर डोगरी, नए थोड़ी है भाई, नरेंद्र खजूरिया जो है ये, इनको ये पहले साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको डोगरी में दिया गया था, ये भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट डोगरी अवार्ड किसको, साहित्य अकादमी किसको मिला डोगरी में, नरेंद्र खजूरिया, फिर उसके बाद पद्मा सचदेव को मिला था, वीना गुप्ता को 2022 में,
और इनके मैंने लिखे भी हैं, आप लिख सकते हो इनके बारे में। देखिए ये जो व्यक्ति हैं जिनको हमने अभी पढ़ा, इन्होंने सार्क में बड़ी सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी। इन्होंने एक बुक जो लिखी है, ये लार्जेस्ट गजल बुक भी है, ये भी याद रखिएगा डोगरी में, और आज तक सबसे बड़ी गजल बुक इन्होंने ही बनाई है डोगरी में। उसके बाद ये कहाँ के हैं, सहरी पंडितान, ये जम्मू के जो वो वाला जगह नहीं है अखनूर के पास, ठीक है उस तरफ है ये, क्या है पता नहीं। आप देखो 22 इन्होंने बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट भी किया बीमस्टेक लिटरेचर फेस्टिवल में और साथ राइटर एंड लिटरेचर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जिस जो चाहे जिसने डेप्थ में पढ़ा होगा वो तोड़ फोड़ सकता है और आपको क्वेश्चन, फिर आप बोलोगे हमें ऐसा क्वेश्चन आया था हमने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी में नरेंद्र खजूरिया को और नीला अंबर काले बादल इसके लिए दिया गया, ठीक है। वीना गुप्ता लास्ट ईयर इनका चिरोपाक और पद्मा सचदे मेरी कविता मेरे गीत, ठीक है ये भी आपके जम्मू से है। पद्मा मॉडर्न मदरा डोगरी कहा जाता है, ठीक है मदरा मॉडर्न डोगरी। अब कुछ रिवीजन के क्वेश्चन है, 5 ही मिनट डाले हैं, ठीक है। कल आप मुझे तरसर लेक के बारे में बताओगे, बड़ी इम्पोर्ट अच्छी है आलमन तरसर मरसर, दो लेक है तरसर मरसर। किसने कहा था कि मैं जब तरसर और मरसर को देखता हूँ मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, और मुझे उसकी दो वाइफ थी, डीटा की दो वाइफ थी, डीटा जिसकी थी। नहीं ठीक है, तरसर और मरसर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे तुम दोनों की याद आती है, डीडा खुद वाइफ थी, वही बोल रहा हूँ डीडा जिसकी थी, वो मर गया पहले डीडा मुगल, ये मेडिवल पीरियड की बात, ठीक है। लॉन्गेस्ट टनल जो है जेएनके में श्यामा प्रसाद, देना ये चेक कर लो, ये फाइनेंस कमिश्नर जेएनके अरुण कुमार मेहता, ठीक है जम्मू के सिविल ब्रिज को ये चेक कर लो भाई, ये है हाँ चेक कर लो भाई, इनको रख लेती हूँ चेक कर लो भाई, इन दोनों को क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, भाई मैंने बोला कि चेक कर लेते हैं क्रॉस की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डचगम नेशनल पार्क होम ऑफ द हंगूल, अब हंगूल जो है हमारे स्टेट का नेशनल एनिमल नहीं रहा, एनिमल नहीं रहा, कौन हो गया नहीं, हंगूल हमारे स्टेट का नेशनल एनिमल है, बर्ड चेंज हो गया, ठीक है। बर्ड आप देख सकते हो जब टनल क्रॉस करते हो वहां पे, उस बर्ड की इतनी बड़ी पिक्चर भी बनी है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर, बोल कौन है नीतू गुप्ता भाई, फाइनेंस ये लिख लो भाई, नीतू गुप्ता और दूसरा ये पब्लिक सर्विस कमिश्नर कौन है, ये दोनों कर लो, ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये सारे आपके सोशल वेलफेयर जीडी वाले जितने भी आप आपके जेके एसएसबी पे एसआई का पेपर भी आएगा, ये रख देते हैं कल करेंगे, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ये कल कर चुके थे, यहाँ तक ही आज का करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।